तो आज बात होने वाली है बिहार पर। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद बिहार में जबरदस्त सियासत हो रही है। बिहार विधानसभा में चौथे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा किया और वहीं धरने पर भी बैठ गए। यह सब देखकर सीएम नीतीश कुमार सदन से बाहर चले गए और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की आकांक्षाओं और लोगों की भावनाओं के साथ समझौता किया, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज की चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ में कई खास मेहमान भी रहने वाले हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस पूरे के पूरे सियासी घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट जरा आप देख लीजिए। इतने आशाजनक रहा और ये जाने के लिए दे दिया नीतीश कुमार खेल हो गए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक के खंड 3 के उपखंड 3 के बाद एक नया उपखंड 3 का निम्न रूप से जोड़ा जाए। मतलब कुछ है ही नहीं बजट में, क्या है? 3% पर किसान के की इकोनॉमी अप ला दिए हैं। हाँ, 5 था तो बजट पर क्या है? अरे ऐसे ही बोल, अरे क्या हुआ? सुनोगे नहीं, हम तो सुनाएंगे। और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। मैंडेट 240 के लाले पड़े हैं, मैंडेट है। कमाल के लोग हैं, मतलब नेहरू पे बोलिए तो ठीक है। नहीं, बाढ़ है, बाढ़ पर कोई काम नहीं हो रहा है। जनता के घर द्वार डूब गया है, दहा गया है, खाने पीने फूल गिर रहा है। ये सरकार जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए नरेट कर रही है स्टोरी को। ये पहले से पूर्व निर्धारित योजनाएं जो रेगुलर ट्रैक टाइप की योजनाएं उन सबको, और ये आज से चल रहा है, जब बहुत पहले पुरानी योजना है। और देखिए, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जमकर सियासत होती नजर आई। इस बीच विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा इस बात कर कि सरकार बचाने में सब लगे हैं। बड़ा सवाल यह है कि बिहार की जनता को चाहिए क्या? विपक्ष कह रहा है कि बारिश में इस वक्त लोगों के घर डूबे पड़े हैं, घर द्वार डूबा पड़ा है, कामकाज नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ अपनी पड़ी है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ में। धरंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी, ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी जल्दी हमारे साथ में होंगे, और प्रभात रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू इस वक्त हमारे साथ में हैं। सबसे पहले एक बार आप बीजेपी प्रवक्ता के साथ शुरुआत करते हुए, धनंजय गिरी जी, जोरदार हंगामा है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार बचाने में जुटे हैं सभी सत्ता पक्ष के लोग, सत्ताधारी सरकार बचाने में जुटे हैं, जनता की किसी को नहीं पड़ी। देखिए, हंगामा है क्यों बरपा? पैकेज ही तो दी है, उन्नत क्षेत्र को काऊ बेल्ट बना देना कांग्रेस एंड कंपनी की काली करतूत रही है। बिहार जल संकट, जल जमाव, जलाधिक के बाढ़ से लेकर के सुखाड़ तक बिहार को बीमारू राज्य बनाकर रखा गया। इसमें बिहार का क्या अपराध है? महागठबंधन ही बिहार में एक महामारी की तरह है। आजादी के बाद कई दशक तक नेहरू परिवार जो बचा उसके बाद लालू परिवार ने तबाह किया। बिहार के दामन में जितना दुख है दिया है, जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिहार में लालू ने समीकरण बनाया माई, और केंद्र में कांग्रेस बाप बन के बैठी रही, फिर भी बिहार का कोई माई बाप नहीं रहा, बिहार अनाथ की तरह ही रहा। और हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल के, ठहाके लगाते थे अपराधी के पार में गोली मार के। बिहार में दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, लूट होती थी, आगजनी होती थी, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, स्लेट घोटाला, वर्दी घोटाला, बन घोटाला, घोटालों के घटाटोप अंधेरे में बिहार करा रहा था जंगल राज के घेरे में। बिहार की वो दुर्दशा थी कि आप उसके बयान नहीं, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है बिहार की दुर्दशा को। और जो माननीय राबड़ी देवी कह रही है कि खिलौना है, वह महंगे खिलौने का शौक ही घोटाले कराया उनसे। अनगिनत जो घोटाले हुए जिसमें उनके पूरे परिवार सम्मिलित है, महंगे खिलौने का शौक ही उनको वहां तक ले गया। और जिस बजट की बात हो रही है, आप देखिए कि 16 लाख करोड़ का बजट, पूजा जी, 16 लाख करोड़ का ब्लास्ट बजट कांग्रेस ने पेश किया था, हमने 48 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, 3 गुना बड़ा बजट है। और बिहार में जिस तरह से बारिश हुई है सौगातों की, आप देखिए इनके बीच कैसा अंतर्द्वंद है। कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ बिहार और आंध्रा को दे दिया, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ दिया ही नहीं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ जब से भाजपा और नीतीश कुमार ने मिल करके बिहार को बीमारू राज्य से विशेष राज्य तक पहुंचाया है, जो पैकेज आज मिला है,
रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट तो लालू यादव के समय ही आई थी, जब लालू यादव केंद्र में भी सरकार थी और प्रदेश में भी सरकार थी, जिसमें तय हो गया कि भाई अब किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। फिर ये मुनाफा और मकारी क्यों, ये झूठी बातें क्यों, गलत आरोप क्यों? क्योंकि जब आप कुछ कर नहीं पाए, आपके नजर में सिर्फ लूट। ठीक है, ज्योति कुमार जी जवाब दीजिएगा, मैं आती हूँ सर आपके पास वापस लौटती। ज्योति कुमार जी ये कह रहे हैं कि आज बिहार के हालात सुधर चुके हैं और आर्थिक मदद क्या मिल गई, लोगों के पेट में दर्द होने लग गया। ये तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे पर जो लोग जोर से शोर मचा रहे हैं वो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमने आर्थिक सहायता पहुंचाई तो पेट में उनके मरोड़ हो रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन इस बात को आप समझें कि ये कुर्सी बचाने के लिए, प्रधानमंत्री और सरकार बचाने के लिए, चलिए इसी ख्याल से, इसी बहाने बिहार को मिला, मैं इसके लिए खुश हूँ कि चले राहुल गांधी के इतने प्रयास से कि लोगों को समझाने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार से बाहर रखें, इसी बहाने इसी बात को लेते हुए जब इनके सीटें कम हो गई और जब सीटें कम होगी तो मजबूरी में आज अपने कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश को इनको विशेष अनुदान देना पड़ा है, विशेष दर्जा नहीं मिला है। विशेष दर्जा और अनुदान में अंतर है, लेकिन सवाल क्या है पूजा जी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 17, 18, 19 सालों से नीतीश जी के साथ हैं, क्यों आपको जरूरत पड़ गई इन चीजों के लिए? जब विकास हो रहा था, सब अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे थे, महिलाएं सुरक्षित थी, युवा अपने अच्छी तरह से पढ़ाई करके पूरे देश विदेश में नाम कमा रहे थे, क्यों ऐसा हो रहा था? क्यों 17-17 फूलें गिर जाती है जब आप नीतीश कुमार के साथ आते हैं? क्यों ऐसी बात हो जाती है कि जब नीतीश कुमार के साथ आप आते हैं और वो विधानसभा में कल हाय 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 जनता, हाय जनता, हाय हाय करने लगे, इस तरह का वो बताइए जनता के बारे में, जो विधान जो एमएलए जीते हैं उसको हाय हाय कर रहे हैं, क्या हो गया इनको? महिलाओं का सम्मान कर न करते हुए विधानसभा में कल फिर उन्होंने फिर बदजवानी की। इसके पहले भागीरथी देवी भी भारतीय जनता पार्टी की विधायिका थी जो कि इनकम टैक्स चौराहा पटना इनकम टैक्स चौराहा तक उन्होंने मार्च निकाला था इनके बदजवानी के लिए। तो ये तो इनके राज्य में कुछ भी ठीक नहीं है, विकास नहीं है। और एक पूजा जी मैं बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ, ये नीतीश कुमार जो स्पेशल पैकेज की बात करते रहे और एक सगुफा छोड़कर जो वोट लेने का प्रयास किया जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और नीतीश कुमार का जो सरकार है उनकी चाबी तो दिल्ली में है। देखिए 66,502 करोड़ रुपया, ये कैक का रिपोर्ट है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिहार सरकार को वापस करना पड़ा। आप बताएं विकास के पैसे को आपको वापस करना पड़ता है और आप इस किसको ये विशेष राज की दर्जा और अनुदान के लिए क्यों मांगते हैं? जब आप भ्रष्टाचार में 17-17 आपके ब्रिज गिर जाते हैं उद्घाटन से पहले, उद्घाटन के बाद। और प्रभात रंजन जी इसका जवाब दीजिए, विशेष राज्य का सर मैं आती हूँ, एक बार सबको मौका मिल जाए, जब विशेष राज्य के दर्जे की बात करें तो ना पैसा इस्तेमाल कर पाते हैं और जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी करप्शन में कैसे डूब रहे हैं, गिर रहे हैं टूट टूट कर, इससे ज्यादा और क्या एग्जाम्पल चाहिए भ्रष्टाचार के? देखिए जैसे कि हमारे मित्र कांग्रेस के मित्र ने कहा कि पैसे वापस कर दे रही है राज्य सरकार, तो यह तो ईमानदारी का एक सर्टिफिकेट उन्होंने खुद दे दिया कि जो पैसे हम खर्च नहीं करेंगे तो उसे क्या करें, गबन कर लें, घोटाला का दर्जा दे दिया जाए। जो पैसा जनता का है वो जनता को वापस कर दिया जाता है, अगर खर्च नहीं किया जा रहा है तो किस मद में खर्च किया जाएगा? जो स्पेशल मद है उसी में खर्च किया जाएगा, चाहे वो भवन निर्माण में हो, चाहे विद्यालय का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे कोई उद्योग धंधा का केंद्र विकसित किया जा रहा हो। अभी देखिए बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ वहाँ हो ही नहीं रहा है। 29 जुलाई को नवादा के वारसलीगंज में उद्योग सीमेंट उद्योग का बहुत बड़ा फैक्ट्री का वहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है और यह अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है, लगभग 1,000-1,500 लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो अनावश्यक दलीलें देना और इसी तरह की आवाज़ों का तूती बजाना या किसी हिसाब से सही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि विशेष राज्य का दर्जा हमारा मांग था और हम लोग यह भी कह रहे थे कि अगर यह अभी फिलहाल नहीं हो सकता है तो स्पेशल पैकेज ही दिया जाए। दर्जा हम क्यों मांग रहे थे? इसलिए ना कि अगर हमारे पास आता है तो बहुत सारे उद्योग धंधे आएंगे जिन्हें टैक्स नहीं लगेगा। सरकार अगर औद्योगिक संकुल खुद स्थापित कर रही है, अगर आप देखेंगे तो गया में जो डोभी क्षेत्र है वहाँ पर लगभग एयरपोर्ट भी आ रहा है, वहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ सर। आपने कहा कि हमारे पास अगर पैसा बच रहा है तो गबन थोड़ी करेंगे, उसको वापस देंगे। अगर विशेष राज्य का दर्जा चाहिए दैट मींस कि आपको और ज्यादा आर्थिक सहायता चाहिए, जो आपके पास है आप उसको यूटिलाइज कर नहीं पा रहे, जो और पैसा आ रहा है उसको आप वक्त रहते यूटिलाइज कर लेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? हम विशेष हम उस स्पेशल मद में उस पैसे का यूटिलाइज करेंगे, उस पैसे का हम गबन नहीं करेंगे,
उस पैसे को हम वापस अगर केंद्र सरकार को लौटा रहे हैं तो ये हमारी ईमानदारी है। हमारी ईमानदारी नहीं, खर्च की बात तो यही है ना कि हम एक स्पेशल एक सर्टेन पीरियड में उस अमाउंट को खर्च करना होता है, तो खर्च हम कहाँ करेंगे, उसी विशेष क्षेत्र में जहाँ के लिए वह पेमेंट आया हुआ है। खर्च करने के सिर्फ कागज पे हम खर्च नहीं करेंगे, खर्च तो करने की आवश्यकता मचा रहा है। जल्दी से सर फाइनल क्विक रिएक्शन एक बार, फिर मैं वापस आऊंगी आपके पास। जल्दी से एक रिएक्शन, तो विपक्ष इतना शोर क्यों मचा रहा है? विपक्ष का एक काम अभी फिलहाल रह गया, वह है शोर मचाना। ठीक है, वह शोर मचा करके जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। एजाज अहमद साहब, जनता को यह पता, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए आप लोग बेकार में ही शोर मचा रहे हैं। सरकार बेहतरीन काम कर रही है, विशेष राज्य का दर्जा ना सही, कम से कम एक विशेष पैकेज तो बिहार के लिए लेकर आ गए। गुंडा राज से उन्होंने मुक्ति दिला दी, ये कह रहे हैं ऐसा। हालांकि अभी हाल ही में कितने सारे हत्या के मामले सामने आ गए, नेता तक तो सुरक्षित है नहीं आज की डेट में बिहार में। हाँ देखिए, जो भी विशेष पैकेज की ये चर्चा कर रहे हैं, दरअसल रीपैकेजिंग के अलावा कुछ नहीं है। और जो जो बातें सामने आई हैं, चाहे बक्सर पूर्णिया का मामला हो, चाहे भागलपुर पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट का मामला हो या अन्य मामले हो, सब ये महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के समय का है। और सारे मामले को NHI के माध्यम से नितिन गडकरी जी से बात करके तेजस्वी जी ने फाइनलाइज करा लिया था। और जो NHI के माध्यम से 2023 में ही सब सड़कें बन जानी थी, वो नहीं बन पाई। ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की कमियां रही, भारत सरकार देना नहीं चाहती है। राशि विमुक्त करने से पहले भारतीय जनता पार्टी अब जो सरकार ने दिया उसमें खुश है कि नहीं? अब तो 41,000 करोड़ रुपया दे दिया बिहार को, इससे खुश है कि नहीं? ये तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसमें खुश होने का मामला नहीं है। ये तो हमारा अधिकार है, और हम जब अपने अधिकार को मांगते हैं, जब हम बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राशि मांगते हैं, तो केंद्र सरकार देने का कार्य नहीं करती है। और बजट के समय में इसको रीपैकेजिंग करके लोगों के बीच जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भागलपुर पीरपैंती जो पावर प्रोजेक्ट की चर्चा की जा रही है, उस मामले में बता देना चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के बनने से पहले मनमोहन सिंह सरकार ने 3 पावर प्रोजेक्ट को बिहार में मंजूरी दी थी। एक भागलपुर बदलने के बाद कितने प्रोजेक्ट अधर में लटक जाते हैं? मैं दूसरा बक्सर आप अभी जो बात करें वो थोड़ा मुझे पॉलिटिकल नजर आती है, पर मैं ये पूछ लूं कि आप पैसा मिला तो खुश है कि नहीं? रीपैकेजिंग में मिला हो, पैकेजिंग में मिला हो, चाहे जैसे तैसे मिला हो, अगर बिहार को पैसा मिला तो आप इससे खुश है कि नहीं? नहीं, ये तो पैसा मिला ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ आई वास किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो हमेशा बिहार के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करती रही है। बिहार को कभी भी जो समय पर जानी चाहिए विकास की, जवाब लेते हैं सर, इसका जवाब एक बार ले लेते हैं। देखिए, RJT का एक संस्कृति है, पैसा वो जो लालू परिवार के जेब में जाए वो पैसा है, वो चाहे चारा घोटाला करके जाए, अलकतरा घोटाला करके जाए, बन घोटाला करके जाए, वर्दी घोटाला करके जाए, या जितने घोटाले हुए घटाटोप अंधेरे करके जाए, पैसा वही जो लालू परिवार को भाए और पैसा वही जो लालटेन का तेल जलाए। बिहार के विकास से इन्हें कोई लेना देना नहीं। ये बिहार में अभी दर्जन भर से ज्यादा पुल भी गिरे हैं, इन पर भी कोई CBI ED की जांच पड़ताल होगी कि नहीं? बिहार में आपको बता देता हूँ, वो किसका करप्शन है? एजाज जी, मैंने आपको सुन लिया, आप भी मुझे सुनने का धैर्य रखिए, आप भी मुझे सुनने का ध्यान रखिए। लालटेन के लॉ ने बहार को जिस तरह से लील लिया, बिहार के युवाओं के भविष्य को जिस तरह से समाप्त कर दिया, लालू यादव ने अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, जो बिहार के भाई आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जल्दी से एक बार जवाब लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ, फिर आप अपनी बात रखिएगा, ऐसे खिचड़ी पक जाएगी, जनता समझ नहीं पाएगी कि आप दोनों क्या बात कर रहे हैं। जल्दी जवाब दीजिएगा इस बात का रत्नाकर जी, माफ कीजिएगा धनंजय जी। हाँ पूजा जी, इन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया, किस बात का जवाब चाहिए? मैं सवाल ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इतने सारे करप्शन तो बिहार में भी हो रहे हैं, अभी पुल गिर रहे हैं, इसके जिम्मेदारी किसकी है? पूजा जी, यहाँ पर भी कोई जांच पड़ताल होगी या नहीं? हम लोग पुल बना रहे हैं, जो सरकार का काम है नीति नियंता, पुल का काम करते हैं अभियंता, और जो भी जिसने भी करप्शन किया है, जिस तरह की भी दिक्कतें हैं,
जो भी समस्याएं हैं उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। और हमारे यहाँ लगातार कि पहले जो सरकार थी वो पुल बनाने का काम करती थी, हम लोगों को जनता को हम पुल बनाने का काम कर रहे हैं, पुल पुलियों का जाल बिछाया जा रहा है। आज बिहार में देखिए तो मानक है जितने पुल बनाए जा रहे हैं जितने सड़कें बनी है, ऐसे पुल जिनका उद्घाटन होने से पहले नीचे गिर रहे हैं। ऐसे पुल तो ना बने तो बेहतर है कि जनता का पैसा भी जाए और मिले भी कुछ ना, ठनठन गोपाल हो जाए बाद में। 20 साल पहले के अगर आप बिहार में आई होती तो गड्ढों के बीच में सड़क थी, आज सड़क ही सड़क है चारों तरफ, सड़क का ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसा सुंदर जाल बिछाए बिहार में। और जैसे देखिए आरजेडी की हकीकत, एक जल्दी से सवाल का जवाब दीजिएगा, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए या नहीं, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए या नहीं? ये तो उन लोगों ने गलत किया ना जिन लोगों ने रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आई जब कांग्रेस दो बार रघुराम राजन की रिपोर्ट में क्या वो उस पर नहीं जा रही। मैं धनंजय गिरी, मैं उनकी जुबान से सुनना चाह रही हूँ कि वो क्या चाहते हैं, उनके मन से क्या आवाज निकलती है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए क्या? इस वक्त बिहार के ऐसे हालात हैं आर्थिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर, सामाजिक तौर पर कि वहां पर मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा? क्या स्थिति में बिहार है, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज पहले मोदी जी की सरकार ने दिया, मोदी इलाज है दुखती रगों का, रुग्णता का, एक आर्थिक सहायता देंगे लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं। ज्योति कुमार जी, आपकी सरकार कल को आ जाए तो आप दे देंगे क्या विशेष राज्य का दर्जा? अगर विपक्ष इतना चीख पुकार करके बात कर रहा है तो कल को अगर 1% मैं बोल रही हूँ क्योंकि नहीं पता कि राजनीति में कौन कब क्या होगा, लेकिन अगर कल को आपकी सरकार बनेगी तो आप देंगे क्या विशेष राज्य का दर्जा? कमिट करते हैं आप लोग? अगर इनके गिरेबान में आप इतनी कीचड़ उछाल रहे हैं तो आप जरा कमिट कीजिए, करेंगे आप बिहार के लिए यह कल्याण? नहीं पूजा जी, आप 1% नहीं, आप 100% बोलिए कि हमारी सरकार अगली बार हमारी आएगी, और हमारी आएगी तो हम महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का, सारे लोगों का ध्यान रखेंगे और विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि नीतीश कुमार ने बंटाधार कर दिया है पूरे प्रदेश। फिर ये जिस रघुराम राजन रिपोर्ट की बात करें जिसमें ये क्लियर हो गया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, फिर उस पर क्या कहेंगे आप, जिस बात का जिक्र धनंजय गिरी अभी कर रहे हैं? अब पूजा जी, अब तो आज की स्थिति है, वो 2013 की बात थी, अब 2024 है। अब जो 2013 से 24 के बीच में नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो बिहार का बंटाधार किया है उसको तो हमको ठीक करना होगा। अब बताएं कि अब एक फैक्ट मैं जो आपको बताना चाह रहा था, जो उस समय मुझे आपने रोक दिया, आप जिस पिरपैती की बात आपने जिक्र भी किया आपने एंकरिंग में, पिरपैती का मामला आपको बताते हैं। ये जो अभी प्रोजेक्ट वहां पर मिला है बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो बहुत खुश हैं कि चलिए राहुल गांधी के कारण इन लोगों को दबाव में आकर बिहार को विशेष पैकेज देना पड़ा राहुल गांधी के कारण, और धन्य है प्रभु मिला। और गिरी जी बोलने दीजिए प्लीज बोल। तो पिरपैती में जो मिला, उस पिरपैती में देखिए क्या वहां प्रॉब्लम है। जो जमीन जो मिला है, जो किसानों से लिया गया है, वो किसानों में दो तरह का पैसा दिया गया है, किसी को ज्यादा पैसा दिया गया है अधिग्रहण में और किसी को कम दिया गया है। और ये स्थिति कब से पैदा है, 2010 के बाद से पैदा शुरू हुआ है, मतलब कि जो पैसा पहले 2014 पहले जो लिया कम दिया और 2014 के बाद ज्यादा दिया, और ये डिस्प्यूट हाई कोर्ट में है, पटना हाई कोर्ट में है। आप बताएं कि वहां ये प्रोजेक्ट को आप कब लागू करेंगे, वहां के डिस्प्यूट को आप 10 साल में खत्म नहीं कर पाए। चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार ही है, सवाल तो हम उन्हीं से पूछेंगे और उनको गाइड करें, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी तो उनसे पूछेंगे कि भाई आप बताएं ये जो आप पैसा प्रोजेक्ट जो पिरपैती में आप दिए हैं और वहां के किसानों का डिस्प्यूट खत्म नहीं किए, आप पूजा जी अपने लेवल पर फैक्ट चेक कर लीजिए। 60% किसान हाई कोर्ट में केस किए हुए और केस अभी तक चल रहा है। जल्दी जवाब दीजिएगा धनंजय जी, फिर मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। देखिए लालू यादव का जितना अपराध बिहार के बारे में रहा, कांग्रेस उसमें बराबर की सहभागी बनी रही, क्योंकि कांग्रेस लालू के शासन काल के उस जंगल राज के अंधेरे में कांग्रेस का भी सहयोग रहा है, कांग्रेस उस पाप में बराबर के हिस्सेदार है। दूसरा बात, जब लालू यादव बिहार में सरकार थी और केंद्र बराबर के दोषी हो जाएंगे, फिर आपकी वहाँ पर सरकार है कल को अगर ये करप्शन का मामला सामने आते तो क्या उसमें आप भी बराबर के हिस्सेदार हो जाएंगे, उसके आप भागीदारी वो चीज आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी ना? ज्योति जी, घोटाला में बन आप आज लोग करप्शन के नाम की तख्तियां लेकर खड़े हैं, लेकिन करप्शन के तो दोषी आपकी पार्टी के खुद के लोग हैं ना एजाज अहमद साहब। चार चार मामलों में सजा याफ्ता है लालू यादव, देखिए सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है। जवाब सर, जवाब लेते हैं, जवाब धनंजय जी जवाब लेते हैं एजाज अहमद साहब, फिर मैं जेडीयू नेता के पास जाऊंगे। देखिए पूजा जी, जो बिहार में पुल पुलिया गिर रहे हैं स्पष्ट प्रमाण है कि भ्रष्टाचार पर आधारित जो पुलों का निर्माण हुआ इनके ही कार्यकाल में कहीं ना कहीं जो पुल गिर रहे हैं, पुलिया गिर रहे हैं, ये इनका पोल खोलता है।
और स्पष्ट रूप से ये बताता है कि बिहार में भ्रष्टाचार को जिस तरह से शिष्टाचार और सदाचार का रूप दिया गया है उसका ये परिणाम है। और इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू और एनडीए के नेता जो मुलम्मा चढ़ा करके लोगों के बीच प्रस्तुतिकरण करते हैं, अब वो चलने वाला नहीं है। अब बिहार की एक एक जनता समझ रही है कि बिहार में जहां सरकार अधिकारी या पदाधिकारी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पदाधिकारियों से अनुनय विनय करते हैं, बात करते हैं, वहां पर स्थिति इस तरह पहुंच गई। पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये बड़ा सुनने और देखने में स्ट्रेंज नहीं लगता कि जो लोग करप्शन की बात कर रहे हैं उनके ऊपर खुद करप्शन के आरोप हैं, कुछ में वो दोषी साबित हो चुके हैं, कुछ में लगातार सुनवाई जा रही है, कई मामलों में अभी भी जमानत है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज नहीं लगता कि जो लोग करप्शन की बात कर रहे हैं वो खुद भी करप्शन के दोषी हैं? क्वालिफिकेशन ही करप्ट होना है, जितने बड़े आप करप्ट हो उतने बड़े आप पद पर हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने वॉशिंग मशीन के माध्यम से जो भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार कर दिया है ये बताने की आवश्यकता है? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं राजनीतिक तौर पर उन लोगों को पाक साफ बनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने जिनको दोषी डिक्लेयर कर दिया उनको तो कोई वॉशिंग मशीन भी साफ नहीं कर सकती ना सर। प्रधानमंत्री के नजर में वही भ्रष्टाचारी आज डिप्टी सीएम महाराष्ट्र बन गया है। एजाज अहमद साहब सप्लीमेंट्री चार सीट में, एजाज अहमद साहब कोर्ट ने जिसको दोषी करार दिया उसको तो पॉलिटिकल पार्टी की वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकती ना। एजाज अहमद साहब जिसको कोर्ट ने दोषी साबित कर दिया उसको तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की वॉशिंग मशीन में धोकर साफ नहीं कर सकती ना। कल को क्या लालू यादव अगर बीजेपी के साथ आ जाए तो क्या लालू यादव पर लगे दोष मिट जाएंगे क्या? पूजा जी, तेजस्वी जी ने जो 17 महीने के कार्यकाल में काम किए हैं वो स्पष्ट रूप से जनता और जनता के हितों के लिए, नौजवानों की नौकरी और रोजगार के लिए, और जिस तरह से बिहार में विकास को आयाम दिया, और आज जो ये बुद्ध सर्किट की बात करते हैं उनके घर में लटकी हुई है में प्रॉपर्टी दूसरे का घर जल्दी से ये बताइए कि ये जो पूरा विरोध चल रहा है उसका उसका सार क्या? जल्दी से एक लाइन में आपसे जानना चाह रही हूँ, ये जो इतना हंगामा बरपा उसकी क्या वजह है? जो बात की जा रही थी यहाँ पे 220 एकड़ जमीन है जो सरकारी जमीन है और 346 एकड़ जमीन है जो जनता की जमीन है, जिसमें से 70% जमीन की सरकार के द्वारा पैसा पेमेंट कर दिया गया है और कुछ लोगों को यह लग रहा है कि उन्हें भूमि का समुचित अनुदान नहीं मिला है, क्योंकि जमीन का अधिग्रहण आज से 10 साल पहले से शुरू कर दिया गया था, तब किया गया था और वहां पे उस वक्त मेरे पास सोलर लाइट की बात हो रही थी। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, जिनको कम वक्त मिला उनसे माफी, बहुत शुक्रिया लेकिन सभी को चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर बिहार में इस वक्त लगातार हम देख रहे हैं कि राजनीतिक शोर मचा हुआ है, इस राजनीतिक शोर की वजह आगामी चुनाव है जिस पर हर कोई अपनी अपनी रणनीति के तहत में जुटा हुआ है, लेकिन जनता जो चाह रही है क्या उन्हें मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है।